हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है कम्पिटिटिव मैथ बाय एसके। आज हम लोग सीखेंगे औसत। औसत क्या होता है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। ये वीडियो देखने के बाद औसत में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं औसत क्या होता है। तो औसत का डेफिनेशन देखा जाए तो औसत का डेफिनेशन होता है किसी भी संख्या को बराबर करना है, उसे बराबर में मापना है। कोई चीज़ रहे, कोई वस्तु रहे, उसे बराबर में मापना या बराबर करना है, उसे औसत कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप सब्जी दुकान में जाते हैं, कोई भी सामान खरीदने, मान लीजिए टमाटर खरीदने गए हैं, तो 1 केजी टमाटर खरीदने गए हैं, तो सब्जी वाला क्या करता है कि एक तरफ जो भी कांटा होता है उसमें 1 किलो का वज़न लगा देता है, दूसरी तरफ टमाटर देते जाता है। जब तक उसका वज़न बराबर नहीं हो जाता, औसत बराबर नहीं हो जाता है, तब तक वो देते रहता है। और बराबर से कम अगर यदि वो दे तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि कम दे रहा है वो और ज़्यादा तो वो देगा नहीं। तो ये होता है औसत। औसत होता है इसको किसी भी चीज़ को बराबर करना को ही हम लोग औसत कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए 5 दोस्त हैं, मान लीजिए 5 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 5 दोस्त हैं, मार्केट गए कोई सामान खरीदने। मान लीजिए इसके पास 200 रुपया है, इसके पास 300 रुपया है, इसके पास 100 है, इसके पास 250 है और इसके पास 150। हम लोग कोई सामान खरीदने गए तो वहाँ कोई आदमी हमें मिला जो हमसे पूछा कि आप लोग सामान खरीदने आए हैं, तो आप लोग 5ों के पास पैसा है तो उसका औसत कितना। तो हम लोग औसत को कैसे निकालेंगे, तो औसत हम लोग जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, जितना पैसा हम लोग के पास सभी को जोड़ लेंगे, 200 + 300 + 100 + 250 + 150। क्या कितने दोस्त हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा औसत। तो कितना हो जाएगा, 200 + 300 = 500, 600, 600 + 2 = 800, 850 + 150 = 150, 1000 हो जाएगा। 1000 को जब 5 से भाग देंगे तो हम लोग का औसत आ जाएगा 200। 5ों का औसत है 200। इस प्रकार हम लोग औसत निकालेंगे। औसत का डेफिनेशन होता है किसी भी संख्या को बराबर करना या बराबर मापना। और औसत बराबर होता है टोटल संख्या बटा टोटल नंबर, कितने उन लोग के पास संख्या है उसका योग प्लस टोटल नंबर, कितने जन हैं या कितने वस्तु हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, किसी क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों ने अपने पारी में 40 रन, 30 रन, 20 रन, 0, 10, 25, 24, 0, 23 और 28 रनों की पारी खेली, तो टीम का औसत क्या है। टीम का औसत, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जितने रन है उसको जोड़ लेंगे, 40 + 30 + 20 + 0 + 10 + 25 + 24 + 0 + 23 + 28 बटा कितने हैं, 10 खिलाड़ी हैं, तो डिवाइड कर लेंगे 10 से। सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 + 3 = 11, 11 + 4 = 15, 5 = 20। 20 का आ गया 0, हाथ में बचा 2, 2 + 2 = 4, 2 + 6 = 8, 2 + 10 = 11, 12 + 13, 13 × 3 = 16, 4 = 20 बटा हो जाएगा 10। तो पूरे टीम का औसत कितना आ गया, 20। तो टीम का औसत आ गया कितना, 20। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है, किसी स्कूल के 10 बच्चे ने अपने स्कूल के टेस्ट परीक्षा में 100 में से 40, 30, 50, 25, 60, 45, 35, 15, 50 मार्क्स लाए।
तो इनका औसत 42 दिया है, तो एक्स का मान क्या हो गया, मतलब एक्स ने कितने मार्क्स लाए। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे 40 मार्क्स लाए, 30 मार्क्स लाए, 50 प्लस 25 प्लस 60 प्लस एक्स प्लस 45 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 50 बटे कितने हैं, 10 बचे हैं। तो इसको डिवाइड कर लेंगे 10 से, बराबर औसत इस बार दे दिया, औसत कितना दिया, तो औसत दिया है 42। तो इसका औसत दे दिया है 42। तो क्या करेंगे, इन सबको पहले जोड़ लेंगे, 5 5 10 5 3 15 5 20 का 0 हाथ में बचा, 2 2 और 5 7 1 8 8 और 3 11 4 15 15 6 21 21 और 2 23 23 5 28 28 और 3 28 और 3 हो गया 31 31 और 4 हो गया 35। तो ये आ गया 350 प्लस एक्स बटा हो जाएगा 10 बराबर औसत दिया है 42। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 350 प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 42, या बट्टा में 10 है उधर जाके गुना हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 420 माइनस 350, तो एक्स बराबर आ गया 70। एक्स ने कितने मार्क्स लाए थे, तो एक्स ने लाए थे 70 मार्क्स, एक्स ने 70 मार्क्स लाए थे। इस तरह से हम औसत के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इस प्रकार के वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। धन्यवाद।